दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि गाय और भैंस के लिए मोहरा किस तरह बनाया जाता है, तो उसमें मैंने आपको आसान तरीका बताया था। ये उससे भी एक आसान तरीका लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम ये भी डालेंगे। तो ये जो होता है, ये इसको जो जानवर घूमता रहता है किले के बाहर, तो ये उसके बाल निकलते रहते हैं इसमें से। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी हम उसमें डाल देंगे, बिल्कुल आसानी से होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप जल्दी फ़ौरन सीख लेंगे। पिछली वीडियो भी हमने आसान तरीका बताया था, लेकिन ये उससे भी हम आसान बता रहे हैं। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप एक रस्सी देख रहे हैं, ये इसका आसान तरीका यही है कि रस्सी को एक थोड़ा सा इस तरह बांध दे दें, एक रस्सी इसको बीच में से घुमा लें। अब ये आप घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। ये देखें, ये रस्सी चली गई, ये घुमा के आपने जा रखी। अब एक सिरा इसका आपने थोड़ा सा बड़ा ये रखना है। चले, अब जब कि हमने ये इसमें चाबी डालनी है, तो ये किस तरह डालेंगे, ये पहले सिरे में डाल लेते हैं, ठीक। तो ये पहले सिरे में आ गया। अब ये हमने घुमा के यहाँ पर इसको लिया है। अब एक में ये रस्सी भी आप इसमें डाल दें, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया, ये देख लीजिए आम तरीका, बस इसी तरह अपने रस्सी घुमा के इसमें डाल दें। तो अब इसको आप इस तरह रखेंगे यहाँ पर, इसको आप छोड़ दें, इसका कोई फंक्शन नहीं सर। तो यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे, इसको इस तरह दायरा देंगे, गोल बनाएंगे, ठीक है। आप दोबारा गौर से देख रहे हैं, ये आपने बना लिया। अब इसको हमने बीच में से गुजारना है, इसको बीच में से गुजार लें, खींच लें, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो रस्सी इसमें से डाल लें, इसमें से डाल के फिर ये इसमें से गुजार लें उसी तरफ से। तो ये आपने डाल दिया। अब ये क्या हुआ भाई, ये आपकी एक गिठान लग गई इस तरह से। तो इसको आप आराम आराम से खींचें, कोई जल्दी नहीं खींचने में। आप जल्दी करेंगे तो थोड़ा परेशानी होगी, तो अगर इसको आप आराम आराम से बनाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन खूबसूरत गांठ लगेगी आपकी, ये इस तरह ये गांठ लगेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये गांठ लगे। अब गांठ लगने के बाद अब अगर आपकी ये रस्सी आए कोई इधर उधर है, तो उसका ये बाल निकालने का मसला तो नहीं है। ये आपने बालिश के निकाल लिए, बिल्कुल सीधी सीधी हो गई, ठीक, ये होगी सीधी। अब इसी तरह से आप इसको एक साइड कर दें, ये इसी में छला पड़ा रहने दें, ये जहाँ पर रखना है। अब इसको भी उसी तरह करना है, ये तो आपने गांठ लगा ली, इसको भी उसी तरह करना है। यहाँ से पकड़ना है इसको, यूं मोड़ देना है, ठीक। ये यहाँ से आपने मोड़ इसको, अच्छा मोड़ने के बाद अब ये हाथ आप इसको बीच में डालेंगे, ये पूरी रस्सी इसमें से निकाल लेंगे। ये मैंने पूरी लंबी रस्सी भी रखी हुई है, इसको मैंने काटा नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलें जी, ये रस्सियाँ आ गई। इसमें से अब दोनों रस्सियाँ आपने क्रॉस करनी है, एक इसमें इससे क्रॉस करके, फिर आप ये जो बना हुआ है इस दायरे से क्रॉस करना है। ये तो एक रस्सी हमारी गुजर गई, इसी तरह से ये दूसरी जो रस्सी है छोटी, तो ये भी आप इसी तरह से इसी में से गुजार देना, थोड़ा सा खींच लें। अब ये देख रहे हैं, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से गिठान लगाते जाएंगे। अब इसका ये है, कोई एक दूसरे के ऊपर अगर रस्सी आ भी जाती है तो आप उसको सेट करने का मसला नहीं है ये आपके लिए। तो ये इसको हमने यहाँ पर सेट कर लिया ताकि ये खूबसूरत नज़ारा है, ऊपर चढ़ी होगी थोड़ी सी बुरी लगी। अब ये बन गया आपको, ठीक है भाई, ये छला भी नीचे आ गया। इसमें से आपने रस्सी डाल देनी है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बछड़ी के गले में डाल के दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं, ये सीधी साइड है, ये सीधी है, वो उल्टी साइड है। तो ये जो है मुँह के ऊपर है, नीचे बिठा आए तो मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। तो ये हमने बनाई थी छोटी साइज में, भैंस के लिए थोड़ी सी बड़ी साइज बनाई थी, बनाना क्या था, एक दो इंच बड़ा करना है। अब ये जो रस्सी आपने डाली, इसको थोड़ा खुला कर लें, इसके मुँह में डाल गया। अब आप इसको इसके कानों से लेके यहाँ पर एक रस्सी इसमें से गुजार के ये इसके मुंह में आपने डाल ली, ये इसके कान में से एक रस्सी गुजार लें, दूसरी को इस तरह एक सिंपल गिठान दे दें, ठीक है। अब ये नीचे से इसको आप खींच लेंगे, ये आपकी मोहरी बन गई, ये जानवर को हमने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको दिखाया एक आसान तरीका मोहरी बनाने का, जितना ये खींचेगा ये इसको बांधी जाएगी। ये आपकी रस्सी है और ये आपकी रस्सी हो गई। अब ये कहीं पर भी आप इसको बांध सकते हैं, मैं इसको भी यहाँ पर बांध देता हूँ। तो ये मोहरा इसको पहली मरतबा डाला है, कुछ खींच रही है, ये शाम तक सेट हो जाएगी इसके साथ। तो इजाज़त दीजिए।
आपकी बड़ी मेहरबानी। देखते रहिए अपना चैनल SPM TV।